वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सीरियस टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसके रिलेटेड परेशान हैं कि TCC की ISSB जो है वो ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब जो बैच गया वो लास्ट बैच है, उसके बाद ISSB में TCC का बैच नहीं जाना है 34 का। तो इसके बारे में बेटा, जो बच्चों ने अपना ISSB का फॉर्म जमा करवाया था इंटरव्यू इनिशियल वगैरह क्लियर करने के बाद, उनको जिनको ISSB का कॉल लेटर नहीं मिला है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे। और उनको बेटा यही कंफ्यूजन है कि पता नहीं उनको ISSB का लेटर क्यों नहीं मिला या किस वजह से नहीं मिला या कौन सी उनको जो है कमी रह गई है या व्हाट विल गोइंग टू हेल्ड ऑन। तो क्या हुआ, मतलब कि क्या वो एबल नहीं थे या उनको रिजेक्ट कर दिया गया, हुआ क्या। सो बेटा, इस वीडियो में हम यही डिटेल आपको बताने वाले हैं और ऐसा आंसर बताएंगे, ऐसी डिटेल बताएंगे कि सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। सो बेटा, आपसे यही रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। इस वक्त पूरे यूट्यूब पे ये मसला किसी ने भी बेटा नहीं बताया है, इतने इतने बड़े यूट्यूब चैनल है, पैसा खा रहे हैं इस नाम पे, बट उन्होंने ये नहीं डिटेल बताई। बच्चे परेशान हैं, सिर्फ ISSB विद बिलाल चैनल ऐसा है जो बेटा हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा होता है। तो सो बेटा, मैंने आज ईमेल देखे, ईमेल में दो बच्चे थे, उन्होंने सर बहुत परेशान है, हम डिप्रेशन में हैं, व्हाट्सएप किया, रो रहे हैं बच्चे के सर हमें ISSB का कॉल लेटर नहीं मिला, ISSB ख़त्म हो गई TCC की, हमारे साथ क्या हुआ, ये मतलब क्यों हुआ, क्या वजह थी, हम एबल नहीं है या रीज़न क्या है। उनको यही है कि हमारी ये ISSB हुई क्यों नहीं इस बार, क्योंकि 1 डेट को ISSB ख़त्म हो रही है, उसके बाद ISSB का कॉल लेटर नहीं आना है। क्योंकि बेटा ISSB कॉल लेटर आने के बाद 8 दिन आपको दिए जाते हैं, 2 हफ्ते 8 दिन दिए जाते हैं कि आप उसमें तैयारी वगैरह कर लें। अभी ISSB का कॉल लेटर आएगा तो वो कैसे 8 दिन कवर करेंगे, तो वो तो 1 अगस्त से ऊपर चला जाएगा, 1 अगस्त को तो एंड हो रही है ISSB। सो बेटा, मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ, तो आंसर सुनने के बाद बेटा आप खुश हो जाएंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। तो बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बस इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे इस बार टॉपिक पर कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ना ही कोई बस वीडियो देख के चला जाता है, ना बच्चे कम्प्लीट देखते हैं ना कोई, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर बच्चे कंप्लीट देखें, सब्सक्राइब, कमेंट करें अच्छे, तो हमें खुशी होगी, हम इस बारे में और बताएंगे आपको। बट आप बेटा इस तरह नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो हौसला अफजाई नहीं होगी। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये सब बेटा देखिए, जिन बच्चों ने ISSB का फॉर्म जमा करवाया और उनको ISSB का कॉल लेटर TCC 34 की ISSB में नहीं मिला, परेशानी वाली कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, बिल्कुल ईजी हो जाए। आंसर सुनने के बाद आपको खुशी होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आंसर क्या है सर, हमें जल्द आंसर बताएं। आंसर ये है बेटा कि आपकी ISSB जो है वो TCC 35 वालों के साथ होगी। समझ आ रही है ना बात की, जब TCC 35 नेक्स्ट TCC आएगा उसके इनिशियल टेस्ट होंगे, जब बच्चे उसके एस्पायरेंट इनिशियल टेस्ट दे रहे होंगे, तब बेटा आप अपना ISSB देने जाएंगे, तब आपको बेटा ISSB का कॉल लेटर आ जाएगा। अब इसलिए नहीं आया बेटा, 1 अगस्त डेडलाइन थी उनको कि आपने ISSB ख़त्म करनी है TCC वालों की 1 अगस्त तक, जो रह जाएंगे उनको TCC 35 वालों के साथ कवर करने। ये बेटा इसी तरह हुआ है PMA 148 में भी, 149 में भी, ठीक है। तो अब भी TCC 33 में भी इसी तरह हुआ, तो आप बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहें, जैसे TCC 35 की अनाउंसमेंट होगी आप बेटा ऑनलाइन अपना जो है ना रिकॉर्ड चेक करता रहे करें, डेली अपना चेक करता रहें, कोई पता नहीं होता, डेली चेक करते रहा करें, इंशाल्लाह आपको डेट बता दी जाएगी। और TCC 35 आने के बाद जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी आपके घर लेटर आ जाएगा। आप अपनी तैयारी बेटा ज़बरदस्त रखें, ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि आप कोई चांस नहीं है, अब बात ख़त्म हो गई है, अब हमारे लेटर नहीं आना है, हमने ऐसे टाइम वेस्ट किया, नथिंग इज़ लाइक दैट, ठीक है बेटा। यू विल अपीयर इन ISSB इन एवरी कंडीशन। आपने बेटा जिसने भी ISSB का फॉर्म जमा करवाया उसने ISSB जाना ही जाना, ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और इस बार भी आपको बता रहा हूँ कि कोई शार्ट लिस्टिंग नहीं हुई। कुछ बच्चे कह रहे हैं शार्ट लिस्ट हो गई है, कुछ कह रहे हैं रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं हम नंबर ग्रेड काम थे इसलिए हो गए, नथिंग, इनमें से कोई बात भी सच नहीं है, ना ही कोई शार्ट लिस्ट हुआ है, ना ही बेटा किसी को सिफारिश करी गई है, ना ही किसी का बेटा इस तरह का कोई हुआ है। इसलिए बेटा कि आप उनके पास अब PMA 150 वालों की भी ISSB लेनी है, लेडी कैडेट कोर्स भी है, AFNS भी है, वो किस मतलब कि शेड्यूल बना के आपको नेक्स्ट में डाल दिया TCC 35 में, ठीक है। तो
तो इशू वाली बात नहीं है, इजी हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपकी ISSB TCC 35 के साथ आनी है, आप ISSB देंगे। सो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। ये बेटा स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर से आपको ISSB के कंप्लीट 5 डेज के नोट्स और कंप्लीट जो है ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट 5 डेज़ का एक मुनासब कीमत में मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी बेटा ज़बरदस्त रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी को बेटा ख़त्म ना करें, ये आपके लिए नुकसानदा होगा। अचानक का लेटर आ जाना है, फिर आपने परेशान होना कि काश हम तैयारी कर लेते, काश हमें यह मालूम होता किसने बताया होता। सिर्फ ISSB विद बिलाल चैनल ऐसा है जो आपको कन्फ्यूज़न दूर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ ISSB विद बिलाल पूरे यूट्यूब पर, तो आप सर्च भी कर लें, हमारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आएगी। और किसी चैनल ने ये वीडियो अपलोड करी ही नहीं है, सब इस पे पैसा खा रहे हैं, सब इसके जो है तैयारी के लिए बच्चों से सब्सक्राइब ले रहे हैं, वाइट टाइम ले रहे हैं। हमने बेटा कभी भी आपको ये नहीं कहा कि लाजमी इसको शेयर कर दें, लाजमी इसको ये कर दें। हम आपसे कहते हैं बट ये नॉर्मल अपलोड कर दें, ठीक है, नहीं करें इतना नहीं। तो हम इसीलिए बेटा आपको ये वीडियो बना के दी है कि आप हमें भी कुछ आउटपुट दें, हम आपको इनपुट दे रहे हैं, आप हमें भी कुछ दें। हमारी क्या डिमांड है, सिर्फ एक सब्सक्राइब रेड बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब दे दें। तो अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़। आपकी ISSB TCC 35 वालों के साथ होगी। मेड यू अंडरस्टैंड ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।